नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने हर एक कॉर्नर की, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, चारों कॉर्नर के प्लॉट की वीडियो बनाई है। कुछ वीडियो अपलोड कर दिए और कुछ वीडियो अपलोड हो जाएंगी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, प्लॉट के साउथ में भी गली लगती है और ईस्ट यानी पूर्व दिशा में भी गली लगती है, और आपके प्लॉट का जो मेन फ्रंट बनता है वो साउथ बनता है यानी दक्षिण दिशा बनती है। ऐसे में आपको अपना मेन गेट कहाँ लगाना है। मेन गेट आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाना है। मेन गेट लगाते समय ध्यान रखना है, मेन गेट की जो ऊंचाई है वो आपकी बाउंड्री वॉल के बराबर होनी चाहिए, और ध्यान रखना है मेन गेट आपका जाली वाला नहीं होना चाहिए, यानी आपका मेन गेट सॉलिड होना चाहिए। इसी के साथ यदि आप नीचे पार्किंग बनाते हैं और आपको दूसरा गेट चाहिए तो आप साउथ सेंटर में भी दूसरा गेट बना सकते हैं। ध्यान रखना है जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है यहाँ पर आपने कोई भी गेट नहीं लगाना है, ना छोटा गेट लगाना है और ना ही आपने बड़ा गेट लगाना है। ऐसे ही आपके ईस्ट के भाग में गली की चौड़ाई कम है, या आपकी सर्विस लेन है, या इस गली का इस्तेमाल कम किया जाता है, मैं आपको कहूँगा कि आप ईस्ट के भाग में ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर एक गेट जरूर बनाएं। यहाँ पर गेट जो आप लगाएंगे वो वजन में हल्का होना चाहिए, जाली वाला होना चाहिए, और जो आपकी बाउंड्री वाला है उससे ऊँचा नहीं होना चाहिए। इसमें आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी ईस्ट में भी मेन गली है तो आपने गेट ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर गेट जरूर बनाना है। और ध्यान रखना है, जितना बड़ा गेट आप साउथ में बनाएंगे इस गेट के साइज से बड़ा 6 इंच 1 फिट, मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 फिट का गेट बनाया है तो ईस्ट के भाग में आपने लगभग 10.5 से 11 फिट की चौड़ाई का गेट बनाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए पानी की बोरिंग कहाँ करनी है। बिल्डिंग बनाने के लिए पानी की बोरिंग आपने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पर आपने पानी की बोरिंग करनी है, और हार्वेस्टिंग टैंक बनाना है तो वो हार्वेस्टिंग टैंक भी आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में ही आ जाएगा। पानी के अंडरग्राउंड टैंक आपने कहाँ बनाने हैं। पानी के अंडरग्राउंड टैंक आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग तक आपने पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाने हैं। ध्यान रखना है, पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाते हुए या सबमर्सिबल लगाते हुए या हार्वेस्टिंग टैंक बनाते हुए जो आपका मेन गेट ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनेगा उसका जो पल्ला खुलता है वो आपके ना तो बोरिंग के ऊपर आना चाहिए, ना हार्वेस्ट टैंक के ऊपर आना चाहिए, और ना ही वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर आना चाहिए। गेट का पल्ला जितना खुलता है उसके बाद आपके हार्वेस्टिंग टैंक, बोरिंग और पानी के अंडरग्राउंड टैंक बने। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मेन गेट बनाते हैं और मेन गेट के दो पल्ले बनते हैं, तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है, आपका पल्ला यहाँ से आधा खुलता है और यहाँ तक चला जाता है, उसके बाद आपका पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि पल्ला पूरा का पूरा आपका पानी के टैंक के ऊपर आता है तो ये एक वास्तु दोष बनता है। इसी में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर लिफ्ट और स्टेयर्स कहाँ बनानी है। लिफ्ट और स्टेयर्स आपने वेस्ट में, यहाँ पर आपने लिफ्ट और स्टेयर्स बनानी है। स्टेयर्स बनाते समय ध्यान रखना है स्टेयर्स आपकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाना है। इलेक्ट्रिक मीटर आपने अपने यहाँ पर ईस्ट की दीवार के साथ साउथ ईस्ट कॉर्नर में इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फर्श की ढलान आपने कहाँ करनी है। आपके यहाँ फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, और साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर ही आपकी फर्श की ढलान होनी चाहिए। हमेशा देखने में आता है मिस्त्री फर्श की ढलान फ्रंट की ओर कर देता है। आपने ध्यान रखना है वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट में, साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में फर्श की ढलान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपका प्लॉट,
आपकी बिल्डिंग की दिशा चाहे कोई भी हो, लेकिन फर्श की ढलान हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट की ओर ही होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। वास्तु के अनुसार फर्श की ढलान सही होने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आएंगी, वो परेशानी आई और गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ परेशानी आई थी और वो परेशानी कैसे निकल गई। आप और आपका परिवार हमेशा ही खुशहाल रहेगा। सिर्फ फर्श की ढलान सही करने से अंदर के वास्तु दोष भले ही कितने क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो परेशानी आपकी हमेशा ही निकलती चली जाएगी और आपको महसूस भी नहीं होगा। आप और आपका परिवार हमेशा ही जीवन में आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ फर्श की ढलान आपने सही करनी है। आप इस तरीके से फर्श की ढलान करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है, आपने बैंक से लोन लिया है या आपने रिश्तेदार से हाथ उधारा पैसा लिया है, तो वो पैसा भी आपका बड़े आराम से उतर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कर्ज कैसे उतर गया। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिंक में बहुत सारे परिवार होते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, हो सकता है मेरी ये वीडियो उस व्यक्ति के काम आ जाए। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता हूँ। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।